ये जो पानी है ना ये गर्दन से ऐसे ही तक जाए ना फिर भी सांस बंद होती है बंदे को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी। जी हमारी छुट्टियाँ ईद की ख़त्म हो चुकी हैं और मैं वापस अपनी काम वाली रूटीन पे आ गया हूँ। और सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं इस टाइम पे ऑफिस जा रहा हूँ, ऐसे लड़कों को पिक करके फिर आगे जाना है। ईद पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी इसलिए मेरा तो दिल था कि रेस्ट किया जाए, लेकिन लड़कों ने बोला कि बीच पे जाना है, तो क्योंकि गर्मी का तोड़ तो पानी ही होता है इसलिए मैं उनको बीच पे लेके गया। सो आप जब तक मैं ऑफिस पहुँच रहा हूँ आप ये वीडियोज़ देखें उन्होंने अपनी ईद पे क्या किया। पानी और समुंदर के पानी में फर्क भी है बच्चे? कुछ नहीं होता, पानी पानी ही होता है ना, समुंदर है या उधर है जिधर भी पानी पानी ही होता है। किसी ना किसी कोने से इसने बाहर ही फेंकना है। जाओ बाय बाय टाटा। जाओ कैसी जा रही है ईद? ईद तो माशाल्लाह अभी तक ठीक गुजर रही है हमारी। नमाज मत पढ़ी है, रूम में ही थे हम तो पहले। एक दो घंटे सोया था दोस्त। तो हम आ गए हैं अभी बीच पे और भी काफी ज्यादा रश है आज इस टाइम पे। जैसे उस दिन हमने देखा था आपने कि सुबह के टाइम पे बड़ा जबरदस्त खाली बिल्कुल था, अभी बहुत ज्यादा रश है ये आप देख सकते हैं। टेप लेके आए हो साथ में? इसकी गहराई चेक करनी है कितने मीटर है। चावल असल में साइन बोर्ड की जो है ना मेजरमेंट ले लेके जो है ना इसका आधी हो गए क्या, अभी इधर भी जो है वो मेजरमेंट लेगा। मजा आया तो देखा, गर्मी नहीं लग रही एकदम। मैं अगर डूबने लगा तो मुझे पकड़ नहीं। अच्छा चाचा पीछे ही रहेगा। ये जो पानी है ना ये गर्दन से ऐसे ही तक जाए ना फिर भी सांस बंद होती है बंदे को। उठ क्यों गया? अरे अरे मेरे साथ पंगा ना कर, पानी से डर लगता है मुझे, हर चीज से डर लगता है। देखने वाले कहेंगे इसको जानवरों से भी डर लगता है, पानी से भी डर लगता है। नहीं। माफी मालूम है अरबी? इंग्लिश मालूम? घूस गुड गुड गुड। ईद मुबारक। माफी स्विमिंग मालूम ना? यू आर गुड स्विमर। हाँ आई वाहूम वल्ला जी। चाचा अंदर चला गया। वाह वाह चाचा, जरा ज्यादा देर के लिए अंदर जाए ना, इतनी छोटी सी डुबकी लगाने का क्या फायदा? वही पीना नहीं है नमकीन। मैं इससे ज्यादा नहीं जाता, मैं अपना मुंह नहीं गीला करता। मेरी तरह चाचा कहते काम में ना जाए पानी, बच्चे को मेरी तरह डर लगता है ना चाचा। मजेदार यार। क्या कर रहे हो? बोर है चाचे को? 1 2 3 हाँ जी, तो मैं पहुंचा हूँ वर्कशॉप के पास और लड़कों को बुला लिया है, बुलवा रहे हैं। आज हम निकले हैं अभी सुबह सुबह, दो जगह पे जाना है हमने। हमने कहा आपको साथ में ये बैरिंग का रास्ता दे दिया। हमने लगाया था साइन बोर्ड एक ये वेलवेट वाला,
इसका ये ऊपर वाला साइन बोर्ड जो है उस टाइम पे कस्टमर ने नहीं लगवाया था। दोबारा कस्टमर ने कहा कि मुझे ये वाला बोर्ड भी चेंज करके चाहिए, साइज लेंगे इसका। ये बड़ा मसला है कि हाइट वाली जगह पे ना साइज लेना बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि मीटर नहीं जाता ऊपर। और वह देखें जी सजावल साहब के काम, वो देखें आप सजावल को कि वो क्या कर रहे हैं। गिरने लगा था अभी वो, लेकिन बस ये ऊपर चढ़ रहा है चावल। हालांकि ये चीज़ इतनी सेफ नहीं है, लेकिन स्टिल ये कर रहा है ऐसे ही है। टाइम पे वो लैडर लेके आने की जगह उसने सोचा कि मैं खुद ही ऊपर चढ़ जाऊँ और साइज ले लूँ। सो ऊपर चढ़ गया और वो साइज ले रहा है। स्टिकर की मेजरमेंट ले रहे हैं हम। हाँ जी चावल साहब, ले लिया साइज आपने? ले लिया जी। बैर इस तरह से क्यों चढ़ गए थे? लेके जाना था फिर वापस गर्मी। आपने कहा कि शॉर्ट काम करना, देसी काम, पाकिस्तानी तरीका। सर अरब करवाना भूल गए जी। ये हैं अर्शद साहब हैं, ये भी हमारे साथ काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं पाकिस्तान से, मुल्तान मुजफ्फरगढ़ से, इनके साथ ये हम काम करते हैं साइन बोर्ड का टाइम में। अभी इस कस्टमर के साथ तो हो गई है बात फाइनल हो गई, अब हम जा रहे हैं दूसरे कस्टमर की तरफ। कस्टमर जो हैं वो माशाल्लाह से शहजादे होते हैं, तो वो अभी नहीं आए। उन्होंने अभी हमें लोकेशन भेज दी है खोल गया कि कह रहा है वो उधर होगा। सो देखते हैं अब अगर उधर मिलते हैं तो जाते वक्त, क्योंकि हमारे ऑफिस की तरफ जाते वक्त रास्ते में ही आती है लोकेशन, सो उधर ही उनसे हम मिल के तो देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। आगे जा के अब देखेंगे, रेस्ट करेंगे। नींद आई हुई है मुझे खुद भी बड़ी सख्त, और रात को मेरी भी नींद प्रॉपर नहीं हुई, तो इस वजह से उसके बाद हम शाम को इंशाल्लाह फिर से निकलेंगे और देखेंगे कोई और काम शाम। अपने दूसरे कस्टमर से भी मुलाकात कर ली है और अब उसके बाद हम फारिग हो चुके हैं और अभी अब जाते हैं। सर में दर्द शुरू हो गया गर्मी की वजह से, तो लड़कों को मैं ड्रॉप कर चुका हूँ और अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा नींद भी आई हुई है और आपको शायद आंखों से नज़र आ रहा होगा। तो मैंने सजावल वगैरह को पिक कर लिया है सुबह, सजावल भी काफ़ी थक गया था गर्मी की वजह से, और अब हम जा रहे हैं काम वाली जगह पे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है आपका? सब उम्मीद करते हैं सब ठीक होगी। तो हम आ गए थे रूम में, वापस रेस्ट किया, उसके बाद अभी शाम को हम जा रहे हैं, अभी निकले हैं रूम से, देखते हैं आगे क्या होता है। ये फार्मेसी थी इधर से, ये इसके लेटर्स हमने उतार लिए हैं जो 3D लेटर्स होते हैं, और ये अभी दूसरी जगह पर उतारिंग लगाने हैं। अभी जाके इनको सेटिंग करेंगे, फिर दूसरी जगह पे लेके जाएंगे। सेटिंग क्या करेंगे अब इनकी? उनकी देखेंगे लाइट शेड में कोई मसला ना हो, बाकी इसकी सफाई सफाई और आगे पीछे। ओके, अभी आए थे इधर, ये साइट है इधर, हमने कल काम करना है। पहले भी किया हमने काम, काफ़ी पुराना है, महीना डेढ़ हो गया इस काम को। तो ये बैक साइड पर मेरे आप देख सकते हैं, इधर हमने ये सारा रेडी किया है, इसकी शीट्स वगैरह। अब इसके बोर्ड जो हैं ये लगाने हैं हमने और लेटर्स लगाने हैं। सो कल इंशाल्लाह ये काम करना है। अभी मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।